अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मदरसा जांच को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जल्द कागजात रेडी रखें। जितने भी मदरसा के हेड हैं यानी कि प्रिंसिपल हैं, उनसे DEO ने बहुत ही बड़ी एक मांग कर दी है जांच को लेकर। तो उन्होंने क्या मांग की है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि शायद आपको जिस मदरसे में आप भी प्रिंसिपल, उस मदरसे की भी जाँच हो सकती है क्या, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस स्थान पर संचालित हो रहे मदरसा, DEO ने मौलवी से मांगी जानकारी। देखिए, प्रिंसिपल से DEO ने मांगी कि आप किस स्थान पर आप मदरसा को संचालित कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जिला को उपलब्ध कराई 30 मदरसों की सूची, होगी जांच, 30 मदरसे की जांच होगी। तो आप इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा एक एक मदरसा का नाम पढ़ के बताऊँगा कि इस मदरसे की जांच होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग को भी ये पता नहीं है कि जिला में किन किन स्थानों पर मदरसा संचालित हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग को भी पता नहीं है कि कौन कौन से स्थान पर मदरसा संचालित हो रहे हैं। मदरसा में से संबंधित कोर्ट के लंबित याचिका के बाद DEO ने मदरसा संचालकों को पत्र भेज एक सप्ताह के अंदर पूरा ब्यूरो उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि DEO ने मदरसा संचालकों को एक हफ्ते का टाइम दिया है कि पूरा ब्यूरो उपलब्ध कराने के लिए। DEO संजीव कुमार ने बताया कि निदेशालय से जिले को 30 मदरसे की सूची उपलब्ध कराई गई है। सूची के आलोक में संबंधित प्रधानों व मौलवियों को निर्देश दिया गया है कि मोबाइल नंबर समेत पूरा ब्यूरो विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसकी जांच कर प्रतिवेदन निदेशालय को भेजा जा सके। सूत्रों के मानो तो निदेशालय से जिले को जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उसमें से कई ऐसे जिसका आज कोई वजूद नहीं है, वो कागजात पर भी संचालित होकर सरकार से अनुदान प्राप्त कर सरकारी राशि का वारा न्यारा कर रहे हैं। देखिए, आप बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी मदरसे जिनका कागजात बिल्कुल भी सही नहीं है, वो भी अनुदान ले रहे हैं सरकार से। यही नहीं, अपने मदरसों को माध्यम से रेवड़ी की तरह डिग्री भी बांट रहा, बताया जा रहा है कि अपने मदरसे को ये डिग्री भी दे रहे हैं। विभाग के इस फरमान के बाद मदरसा संचालकों की बेचैनी बढ़ गई। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि DEO ने जब से ये मांग किया है कि आप एक हफ्ता के अंदर में आप पत्र जमा कीजिए, आप किस तरह से आप मदरसा चला रहे हैं, आप कागजात जमा कीजिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब से DEO ने फरमान किया, तब से संचालकों यानी कि जो मदरसा के जो हेड है, मदरसा के प्रिंसिपल की बेचैनी बढ़ गई है। वो अपने संस्थान को बचाने की कवायद में जुट गए हैं, साथ ही मदरसों के प्रभारी अपने कागजात जुटाने लगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब से DEO ने ये जांच का बोला, जांच के लिए उनसे एक हफ्ते का टाइम लिया, एक हफ्ते के अंदर में जमा करने के लिए बोला, तब से बताया जा रहा है कि जो मदरसे के प्रभारी हैं यानी कि जो प्रिंसिपल हैं, सिक्रेटरी हैं, वो अपने मदरसे की कागजात जुटाने के लिए लग गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरसा कौन, मदरसा हबीबिया गुलजार बाग विक्रमगंज, मदरसा असरालिया धनगावा विक्रमगंज, मदरसा कादरिया विक्रमगंज। तो यहाँ पे आप मदरसे का नाम भी देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको मदरसे का बता, देखिए इस वाले लिस्ट में मदरसे का नाम है, यहाँ पे जिले का नाम है, उनका कौन सा गांव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मदरसा सासाराम का भी है, कुछ मदरसा रोहतास का भी है। तो इस मदरसे को आप लिस्ट को स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा मदरसा। देखिए, लास्ट में जो मदरसा इस्लामिया जम्बा रोहतास, मदरसा अस्ताफुल उलूम चितोखर रोहतास, इस तरह का मदरसा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि DEO को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन कौन सी जगह पे मदरसा को आप चला रहे हैं, आप संचालित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट थी।
तो जो बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन सब्सक्राइब।